जो तांडव है वो जो उनकी पूरी फॉर्म्स है चाहे है देखे सब कॉपी किया है आप मोयथा जब सीखेंगे और आप में देखेंगे, सो तो होल मूवमेंट हैज बीन अप फ्रॉम लॉर्ड हनुमान वहाँ पे मूवमेंट्स के नाम है हनुमान के नाम uh, कलरी पाए तुम मोयथा में रियली really? हाँ प्लीज देखिएगा जैसे, जैसे कि जैसे कि वहाँ पे एक जगह भी है हनुमनपुरी द फ्लाइंग हनुमाना hmm. उसमें जो उड़ के मारते हैं एल्बो नी आप देखिएगा जब वो पहाड़ उठा के जा रहे हैं संजीवनी का अ मूवमेंट इन हिज बॉडी हिज नीस सा हाई ही स्टैंडिंग इन अ सर्टेन पोस्चर दो हिंदुस्तान वापस उस मैप पे है जहाँ पे जहाँ से मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स ओरिजिनेट हुई है आई वाज ऑनर्ड बाय एज द टॉप मार्शल आर्टिस्ट आई गोट दैट इज द ऑस्कर्स ऑफ एक्शन एंड आई ऑन स्टेज एंड सेट विद्यू जामल कलर ही पैट मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट फील हुई आज जब लोग कलरी पेट के बारे में जानते हैं उसके बारे में समझते हैं मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने शुरुआत की है अब लोगों को पता है कि एक ऐसी भी आर्ट है जो हिंदुस्तान से आज यो शो में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों विद्युत जम्वाल बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड गेस्ट है इस पॉडकास्ट की शुरुआत से आज हमने उनसे बहुत सारी हेल्थ फिटनेस मेंटल हेल्थ सेक्शुअल हेल्थ की भी बातें करी क्योंकि मेरा मानना ये है कि भारत में बहुत सारे लोगों को इन कॉन्वर्सेशन की जरूरत है आज हम जानेंगे कि विद्युत जम्वाल ने इतनी सारी चीजें अचीव कैसे करी हाउडेडी अचीव इट इन स्टाइल आप जानोगे टी आर एस के थ्रू ये वाली आउटफिट है स्टाइल बाय आजियो दोस्तों प्लीज आजियो आप ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद को स्टाइल करना स्टार्ट कीजिए बहुत जबरदस्त एपिसोड है आज का आ, ये बहुत अलग इंसान है और इनके अलग दिमाग को अलग पर्सपेक्टिव्स को फिटनेस को देखने के अलग नज़रिए को हम जानेंगे आज दिस इज विद यू क्वान टी आर एस दियो जमोअल टीआरएस में आपका स्वागत है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये है मेरी असली पर्सनालिटी कैसे हो आप सर्व गुण संपन्न हो तुम मतलब <laughs> मैं खुश हूं आई एम हैप्पी थैंक यू ओके हाँ मुझे बहुत रिलीफ फील हो रही है कि वो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी की अभी मौत हो चुकी है एंड असली रणवीर इज टॉकिंग टू असली विद्युत आप कैसे हो इंट्रोवर्ट <laughs> आप इंट्रोवर्टेड इस समय क्यों क्योंकि तुम्हारे में इतनी एनर्जी है अगर मैं भी दे दूंगा तो आग लग जाएगी आँखों में बहुत ज़्यादा खुशी है दस द स्टार्ट बहुत कम लोगों की आँखों में इतनी ज़्यादा खुशी होती है मीडिया इंडस्ट्री में तो मेरा सवाल ये है कि इतनी ज़्यादा खुशी क्यों है और कैसे है आपका सवाल कुछ और होना चाहिए कि जो बाकी लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी आंखों में खुशी क्यों नहीं है वो भी? सवाल तो ये होना चाहिए मेरे में क्यों है क्योंकि यही होना चाहिए ओके बट बॉम्बे में मोस्टली इतनी ज़्यादा खुशी लोगों की आँखों में होती नहीं तो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुशी इतनी ज़्यादा कंटेंटमेंट है आपकी आँखों में नहीं मैं आपको यह बात बताऊँगा यार यू नो मैं लोगों को मिलता हूँ और हर आदमी सिर्फ आँखों से एक्सप्रेस नहीं करता है कई लोग ना बहुत काम हो के भी खुश रहते हैं सो हम लोग एक्सप्रेशन सिर्फ आँखों में या स्माइल में या मुस्कुराहट में देखते हैं जो फेक की जा सकती है अगर हम वो दूसरा पहलू देखें मैंने लोगों को देखा है वो बिल्कुल ठंडे से होते हैं बट जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं वो भी एक हैप्पीनेस है वो आंखों में नहीं दिखता है। आई सी द मोस्ट साइलेंट पीपल समटाइम्स नॉन एक्सप्रेसिव वो बहुत कुछ दे देते हैं जो एज कम्पेयर टू जो लोग बहुत कुछ बोलते हैं सो आई थिंक वीर लिमिटिंग पीपल अन बॉम्बे ये वो शहर है जहाँ पर हर आदमी को सब कुछ मिलता है अगर वो दूसरे से कंपेयर ना करे तो अगर तुम्हारे में क्षमता हो तो हर कोशिका मेरे शरीर की वो भी हंस रही है ओके <laughs> okay. हाँ आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लाउड है ऑनेस्टली एंड आई लव इट आई फील कि आप एक बहुत मेमोरेबल पर्सनालिटी हो बहुत कम लोगों को आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता है, बिकॉज शायद आपने आज तक पॉडकास्ट दिए नहीं किए नहीं ये आपका पहला पॉडकास्ट है आपके एक्सपेक्टेशन क्या है कुछ भी नहीं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो तो वहाँ जब मैदान जंग में आओगे तब पता लगेगा कि होने क्या वाला है okay. उससे पहले तो तैयारी की है बचपन से लेके अभी तक हर उस बारे में बात करने की जिसके लिए तुम्हारे पास सवाल है ओके okay, कुल cool. क्या लोगों को आपके बचपन के बारे में सब कुछ पता है लोगों को मेरे पूरी जिंदगी के बारे में सिर्फ पाँच पता होगा आपके अकॉर्डिंग क्या पता लोगों को मुझे जिस चीज़ की बहुत खुशी होती है मैं कभी भी जब मैंने ट्रावल आई गो मैं जब हैदराबाद जाता हूँ या नॉर्थ में जाता हूँ ईस्ट में जाता हूँ मुझे यूनानमसली लोग एक ही चीज़ बोलते हैं चाहे वो एयरपोर्ट में मिलते हैं कि सर यू डिज़र्व सो मच मोर ये हमेशा होता है मेरे साथ एंड मुझे लगता है कि यार ये लोग कितने अच्छे हैं इनको दिखता है जो मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ मेरे डैड आर्मी में थे जो जो मैंने लाइक ओर एवर आई हैव अचीव्ड मतलब वो तो सपने से भी ऊपर इतना तो सोचा ही नहीं कभी मांगा ही नहीं मैंने लाइक ड्रीम ही नहीं किया सो so, ये जो लोग हैं जो मुझे मिलते हैं unanimously, everybody, कि सर like, you deserve more, सर लाइक यू 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 डिजर्व डिजर्व मोर मोर नो दैट इज अमेजिंग बचपन में मैंने जूडो किया था नॉट एट लेवल ऑफ मार्शल आर्ट यू डन पर अब मैं ब्राउन बेल्ट तक पहुँचाऊँ विच इज़ वन बेल्ट बिलो ब्लैक और फिर मुझे जूडो स्टॉप करना पड़ा इंजरीज की वजह से ठीक है पर उस सफर में वाइट बेल्ट से लेकर ब्राउन बेल्ट तक डेफिनेटली एज टेन टू एज सिक्सटीन उस सफ़र में मेरी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल गई और जो बदलाव आया वो आज तक आ, मुझे फ़ायदे दे रहा है एज इन मार्शल आर्ट्स मेंटालिटी जो मिली उस फेज़ में आज भी उसके फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं आपकी मार्शल आर्ट्स मैंटालिटी के बारे में जानना चाहूँगा अगर आपको किसी ने कहा कि अपनी खुद की मार्शल आर्ट्स मैंटालिटी ब्रेकडाउन कीजिए तो आप कैसे करोगे क्योंकि जिन लोगों ने पाँच साल के लिए मार्शल आर्ट्स किए उन्हें मार्शल आर्ट्स मैंटालिटी के बारे में पता है पर जिन लोगों ने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं किया लाइफ में दे डोंट इवन नो टॉकिंग अबाउट दिमाग मतलब कभी सोचा हमें दिमाग क्यों दिया है मेरा दिमाग बोलता है टू प्रोटेक्ट मी टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी अब क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है और स्वेलिंग हो जाती है सो बॉडीज गिविंग यू साइन कि स्वेलिंग हो रही है मूवमेंट मत करो करेक्ट आपको मैं बोलूँगा दस फ्लोर से जंप मारो आपको कुछ रोकेगा वो दिमाग है आपका वो बोलेगा नहीं 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 आग होती है आप जाते हैं लाइक द ब्रेन इज स्टॉपिंग यू बिकॉज इट नोज दैट इट विल हर्ट यू सो दिमाग का काम है हमें प्रोटेक्ट करना सिर्फ ये और कहीं ध्यान लगाना नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं सिर्फ वो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही जानवरों को भी देख लो उनको कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे कुत्ते को क्या हो रहा है उनको खाना खाना है दे वर्वाइव दे ओनली डूइंग इट टू सर्वाइव करेक्ट अब जो शरीर है उसको जिंदा क्यों रखना है ताकि आप उसको इस्तेमाल करें तसली तस से ब्रेन विल डिफेंड यू द बॉडी इज जस्ट अ वेपन और डिफेंड डजेंट मीन अगेंस्ट एनमी आप एक तरह की वर्जिश करते रहेंगे सो तो आपकी एक न्यूरो मस्कुलर टेंडेंसी है जो स्ट्रांग होती रहेगी आपके दिमाग में वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा यानी कि आपका नर्वस सिस्टम भी ट्रेन हो रहा है ब्रीदिंग के साथ Hmm. बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं सो hmm. so, उस दौर में यू विल सी दैट योर हार्ट ब्रेक्स विल बी लेस जो होता है ना कि <laughs> दिल की दर्द हो रही है अगर तुम वहाँ पे अपने आप को मसरूफ रखोगे ना वो न्यूरो मस्कुलर रखोगे सिस्टम स्ट्रांग सो so, वो वाली दर्द ना आप मैनेज कर लोगे बिकॉज योर माइंड इज स्ट्रॉ समे एल्स बट वही हार्ट ब्रेक जब ये वाली स्ट्रेंथ ना हो शरीर की वेन यूल बी अगेन इन द सेम सिचुएशन यूल बी स्ट्रेस एंगजाइटी वजह डिप्रेशन आप वापस जाइए जहां पे आपका मन स्ट्रांग था तो so, शरीर और दिमाग का ये कॉम्बिनेशन ये है मार्शल आर्ट्स डिफेंडिंग योर सेल्फ नॉट ओनली अगेंस्ट द एनिमी फिजिकली मेंटली टू बट यू आल्सो डिफेंडिंग अगेंस्ट लाइफ सिर्फ जीने के लिए कर रहे हैं hmm. ये सब बाकी है कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो वो एरोगेंस आ गई कि आई विल डिफेंड बिकॉज ही स्लैप नहीं बट द स्लैप विल नॉट किल यू इफ रियली यू आर सपोज टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट द स्लैप यू विल नॉट वो ईगो mm स -hmm. मार रही है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म मार्शल आर्ट्स कलरी पैट का मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर द बैटल फील्ड ट्रेनिंग फॉर द बैटल फील्ड मीन की तलवार जाके लेके जाओ मारो दिमाग से उस समय संयम कैसे रखना है उस समय हाउ डू यू टेक एन आर्मी विद यू यू लीडिंग यू हैव ब्रदर्स वो फाइटिंग विद यू उन सबको भी भी कंट्रोल में रखना है सो एवरी थिंग टूगेदर इज मार्शल आर्ट्स ओके कलरी पैट यही है आपको हर अपने हर शरीर के हर हिस्से के बारे में पता होना चाहिए सिर्फ ब्रीदिंग या लिम्फैटिक सिस्टम या रेस्परेटरी सिस्टम या न्यूरो मस्कुलर सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम स्केलेटल सिस्टम मस्क्यूलर सिस्टम इन सात के अलावा ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है हम लोग सिर्फ मस्कुलर में ध्यान रखते हैं थोड़ा बहुत स्केलेटल सिस्टम में कि सर मेरे ये दर्द हो रही है मेरी एल फाइव डिस्कहोनीटेड है थोड़ा सा उसमें हो जाएगा जो न्यूरो मस्कुलर कनेक्शन है जो लिम्फैटिक सिस्टम है जो विसरल सिस्टम है आंतड़ियाँ सब कुछ ओके okay. उन सब का जब ज्ञान हो जाएगा तब आप मार्शल आर्टिस्ट होंगे ओके अब मैं आपको बहुत सरफेस लेवल सवाल पूछूंगा ठीक है जो आपका मस्कुलेचर है आपके एस्थेटिक्स है आपके बॉडी का शेप है डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स का एक रोल रहा है इन क्रिएटिंग दिस एस्थेटिक आप ये मानते हो और भी चीज़ों और भी चीज़ों का तो तो आपने वेट ट्रेनिंग कंबाइन करी है मार्शल आर्ट्स के साथ और क्या शुरुआत मार्शल आर्ट्स से हुई थी अपने शरीर को जानना शुरू किया था कि यार ये भी हो सकता है स्प्लिट भी हो जाता है बाकी से नहीं हो रहा है फ्लिप भी हो जाती है ये भी हो जाता है तलवार भी चल रही है अलग अलग चीजें भी हाथ में आ रही है सब कुछ हो रहा है दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लर्निंग जनरल की हम लोग कई चीजों में बहुत जोर लगा रहे हैं मतलब जैसे अगर हम बस को धक्का दे रहे हैं तो हम लोग पूरी जान लगा रहे हैं बट एक बहुत छोटी सी चीज़ है बॉडी के अंदर जो उसको हिला सकती है नॉट द स्ट्रेंथ दैट we've बिन वॉचिंग जब आप उन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें उन छोटी एनर्जी में छोटी मसल्स में आप जो भी बन सकते हैं आपका स्ट्रक्चर आप 10 दिन में चेंज कर सकते हैं विद द कनेक्शन इन द माइंड इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट डेवलप्स विच मसल इन यू यू कैन डू इट इन अ वीक्स टाइम मैं लोगों को देखता हूँ प्लैक्स कर रहे हैं प्लैंक कर रहे हैं मगर करके रहें सर कोर खींच रहे हैं अपनी कोर है क्या एक सेट ऑफ मसल्स होता है आपके पूरे बॉडी के सकम्फ्रेंस में आई फील राइट फ्रॉम योर सेक्स ऑर्गन्स अप टिल जहाँ आप आपका हार्ट स्टार्ट होता है वो पूरी एरिया बट फ्रॉम थ्री सिक्सटी डिग्री क्या गलत है ये कुछ भी गलत नहीं है ओके okay. देखने का नजरिया अलग है सुकोर पृथ्वी की क्या है बिल्कुल जो बीच में होती है उसे सो so, लोगों के मुताबिक कोर ये है सो so, सर mm. अपनी कोर स्ट्रॉग कर लीजिए बट कोर कैन बी मूव्ड लाइक वैन यू बैलेंस अ पेन ऑन अ स्टिक जरूरी नहीं आप सेंटर में करें यहाँ पे भी कर सकते हैं वो भी तो कोर बना सकते हैं यू कैन मूव दैट कोर जब मैं लोगों को देखता हूँ उनको लगता है सिर्फ यहीं से कुछ होल्ड करना है बहुत अच्छा है। और जानोगे तो समझोगे कि जोर लगता ही नहीं है वैन यू मेक दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आई डिड रिसेंटली एडेड ऑफ पुशअप्स इन वन गो एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैन बी ब्रोकन आपको समझना है कि कौन सी मसल इस्तेमाल करनी है बाकियों की एनर्जी वेस्ट मत करो ओके सो वेन यू टॉक इन द बॉडी आई नो अ फ्यू थिंग्स इन बॉडी अच आई जस्ट वेक अप एंड की तुम्हारा इस्तेमाल है आप बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर किसी ने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी एक सेट ऑफ मसल्स ट्रेन होते अगर आपने मार्शल आर्ट्स किया और खुद के बॉडी को जाना और और भी टेक्निक्स होते हैं आई एम श्योर स्ट्रेचिंग योगा ऐसे भी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन हो जाता है और कुछ ऐसे मसल्स ट्रेन होते हैं जो शायद वेट ट्रेनिंग से सिर्फ ट्रेन नहीं होते और कुछ मगर तो? कई वेट ट्रेनिंग से भी मसल्स ऐसी ट्रेन होती है न्यूरो से नहीं होती है इट्स मतलब आ, सब कुछ कंबाइन करना होता है सब कुछ है ओके okay. अगर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर समझना है तो आपको मस्क्युलर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा स्केलेटल सिस्टम समझना ही पड़ेगा विद रेस्पिरेटरी सिस्टम इन तीनों का कॉम्बिनेशन तुम्हें समझ नहीं पड़ेगा ये मैं आपको एक बहुत स्टीरियोटिपिकल सवाल पूछूंगा अभी बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं डीपली uh, पूछूं और डीपली आंसर्स एक्सट्रैक्ट करूं। हर फिट इंसान की लाइफ में एक फिटनेस जर्नी होती है जैसे मेरी जर्नी थी कि मैं पहले बहुत मोटा था पर जूडो करता था ठीक है तो उससे एथलेटिसिज्म फॉर्म हुआ फिर इंजरीज हुए इंजरीज़ की रिकवरी के लिए मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड इट क्रिएटेड स्ट्रेंथ वेट ट्रेन करते करते पता चला कि इट्स एन अनबैलेंस्ड फॉर्मैट ऑफ वर्किंग आउट इसलिए मैंने स्ट्रेचिंग स्टार्ट करी अभी मैं एक कॉम्बिनेशन बेस्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे एक इंजरी भी हो चुकी है फिजियो के पास जाकर पता चला है कि आपको शायद मार्शल आर्ट्स करने की ज़रूरत है फिर से लाइफ में क्योंकि यू नीड टू मूव योर बॉडी इन डिफरेंट प्लेन्स ऑफ मोशन एज वेल सिर्फ वेट ट्रेनिंग और शायद सिर्फ योगा से भी आ, आपको आगे जाकर इंजरी हो सकते हैं शायद Uh, और बीच बीच में मैंने स्पोर्ट्स खेले हैं जूडो किया थोड़ा सा एक्सेट्रा एट्सेट्रा ये है मेरी फिटनेस जोनी uh, आपकी कहानी क्या है कि फिटनेस की कहानी क्या है आपकी शुरुआत आई एम अज्यूमिंग बचपन में मार्शल आर्ट से हुई या स्पोर्ट्स से हुई और फिर एट पॉइंट यू डिस्कवर्ड वेट ट्रेनिंग एम आई राइट सो तीन साल की उम्र से मैं एक आश्रम में पला बड़ा हूँ हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ जहाँ पे हम लोग खेलते थे वहाँ पे यूजिंग वेपन्स तलवारें पड़ी रहती थी डंडे पड़े रहते थे वो खेलने का सामान था वो ऐसा नहीं था कि वो हमें हर्ट करेगा और इसलिए क्योंकि हमें लगता नहीं था वो हर्ट करेगा हमें से मुझे नहीं लगता किसी को चोट लगी थी कभी हम लोग तलवारें घुमाते थे मगर कभी कटे ही नहीं थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे एक बार घुस गया था बट पार्ट ऑफ द जर्नी था फिर जब आप मार्शल आर्ट्स के एक और लेवल में आने लग जाते हैं जहाँ पे आप जिमनास्टिक्स करते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी का मन करता है कि उछल उछल के घूमा जाए इज अ पार्ट इन योर लाइफ वे यू वॉन्ट इट जस्ट डिफाई ग्रेविटी सो वहाँ पे आपको पता लगता है कि कई ऐसी मसल्स हैं जिनकी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है अगर आपको हायर जंप मारना है आपको ये वाली एक पोपलेटियस मसल होती है घुटने के पीछे बहुत खूबसूरत मसल है उसके बारे में आभास होता है आपको कि क्या करती है फिर आप उसको ट्रेनिंग करते हैं जैसे आप इफ़ यू कैन डू टेन हैंड्स एंड पुश नेचुरली एज अ मार्शल आर्टिस्ट फिर आपको रियलाइज़ज़ करता है कि अगर मेरी ये वाली मसल एक्टिवेट कर दी जाए स्वर हो जाएगा सो so, वहाँ से आपको मसल का ज्ञान होता है एंड देन यू गेट टू मीट पीपल हु बॉडी बिल्डिंग उनको सब पता होता है कि डम्बल कहाँ घुमाने फिर आप वो सब करते हैं फिर आप अपनी इन्वेंशन करने लग जाते हैं कि मेरे लिए ये काम कर रहा है मेरे लिए वो काम कर रहा है सो जोनी इज एवर इवोल्विंग इट्स एवर इवॉल्विंग मैंने रोल ऑफ करना शुरू की थी क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि वेपन्स को ना मूवमेंट में करने की जरूरत है कि टांगे बंधी हुई हैं नॉर्मली हम जब करते हैं मार्शल आर्ट में पूरी पाँव की मूवमेंट होती है द होल जोमेट्री इज दैट रोल ब्लेडिंग पे करते हैं रोलो ब्लेडिंग करते करते जब उसमें मज़े आने लगे आई रियलाइज़ कि उसके भी ऊपर एक लेवल है स्लैक लाइनिंग पहाड़ों बिल्डिंग के बीच में रस्सियाँ बांधो और चलो सो एवर इवॉल्विंग मैं कल ही सोच रहा था कि अब नेक्स्ट लेवल क्या होने वाला है इसमें बहुत मज़े है अब क्या होगा इन एक्टिविटीज़ की वजह से आपका नर्वस सिस्टम वर्क होता है और कुछ ऐसे मसल्स वर्क होते हैं जो जिम में शायद वर्क नहीं होते आपका कहने का मतलब ये भी है यार जिस तरह से हम इस समय जिम की बात कर रहे हैं ना मुझे ऐसा लगता है कि जिम हम लोग उसको ना बहुत नीचे लेवल पे ले गए हैं ऑनेस्टली मस्कुलर सिस्टम बहुत ऊपर का है न, ओके बहुत ऊपर का है। हम लोग आज जिस शरीर के अंग की बात कर रहे हैं वो हम लोग बोल रहे हैं कि जिम 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 वाले बहुत उम्दा लोग होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं अगर वो बोलते हैं मैं पानी नहीं पी रहा हूँ तो नहीं पियएंगे ह्यूमन टेंडेंसी बहुत मुश्किल है नहीं करना मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अगर वो बोलते हैं ना कि सर मैं बॉयल्ड चिकन खा रहा हूँ वो खाते हैं डिसिप्लिन योगी वाला डिसिप्लिन है कि मैं एक ही मील पे खाऊंगा एंड डिसिप्लिन मेरे बॉडी बिल्डिंग में सरदार जी ट्रेनर हैं हरमीत सिंह हैं उनका नाम मैं बहुत इज्जत करता हूँ पहले क्योंकि वो सरदार जी हैं एंड एक सरदार मेरे मुताबिक वो होता है जो जो हमने सुना है बचपन से महाराजा रंजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह जो सिखाए कि अगर आपको कोई दुविधा में दिखे उसकी मदद करो मैं उसकी बाइक पे होता था कोई गिर जाए दूसरी रोड के वहाँ पे उसको उठाता था सो so, मैंने कहा सरदार जी मुझे पसंद है बॉडी बिल्डिंग जिस तरह की वो तपस्या करते हैं और बाकी जो बॉडी बिल्डिंग मस्कुलर वाले हैं जिनकी हमें इज्जत करनी चाहिए बहुत मेहनत है यार डिसिप्लिन नो पार्टीज नो फ्रेंड्स नो नथिंग बस एक वो बहुत इज्जत है सो hmm. so, उनको ना हम उसी लेवल पे रखते हैं जहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट रखते हैं करेक्ट है ना hmm. मतलब वेट ट्रेनिंग भी एक तरह का मार्शल आर्ट होता है मस्क्यूलर सिस्टम का ज्ञान ये जितने मेरे बॉडी बिल्डर वाले दोस्त हैं चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको उन hmm. मसल्स का डिस्टिंक्शन उनको एनाटमी पता है जो बाकी को नहीं पता दे साइंटिस्ट दे रिसर्चिंग ऑन द बॉडी दे मेकिंग इट बेटर देन वॉट इट इज पर नहीं पर मैं ये बोल रहा था कि जो हम अभी हमारी बात में मुझे भी लगने लगा कि हम ए, वेट ट्रेनिंग को थोड़ा नीचे का देख रहे हैं उसको छोड़ देते हैं हमें ऊपर के हैंड पीपल हु हुआ मस्क्यर सिस्टम को बहुत ओके okay. जितने एवरेज जिमर्स हैं इंडिया में स्पेशली टीन एजर्स कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी और मैं भी उस ग्रुप में हूँ ऑनेस्टली uh, मैंने मोस्टली सिर्फ वेट ट्रेनिंग पर फोकस किया अपने फिटनेस जर्नी में मेरी गलती और उनकी गलती क्या है according to you. बहुत डेडिकेटेडली हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं साइंस को जानकर डाइट को फॉलो करके पर एक एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव से हमारी गलती क्या है अकॉर्डिंग टू यू मुझसे सवाल पूछ रहे हैं हाँ गलत गुरु चुनना सबसे बड़ी गलती है okay. किसी पे पूरा विश्वास करना बिना जाने कि उसमें कितनी देने की क्षमता है वो गलती है hmm. हम लोग गलत कर ही नहीं सकते हम तो 100% सरेंडर कर रहे हैं कोच कह रहा है ऐसे करो तो हम कर रहे हैं सो so, गलती किसी की नहीं है बस ये ये कि अपना जो गुरु है जो आपका टीचर है ट्रेनर है पहले तो बहुत इज्जत आनी चाहिए उसके लिए इज्जत तभी आएगी जब आपको दिखता है कि उसमें वो है जो किसी में नहीं hmm. गुरु हर चीज़ में पर लाइफ में मल्टीपल गुरुज होने चाहिए ऑब्वियसली hmm. ये मैं हंड्रेड परसेंट मानता हूँ होने चाहिए नहीं अगर आप किसी एक इंसान की सारी बातें सुन रहे हो वो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है नहीं जरूरी नहीं है यार मीरा हो गई मगन वो तो हरी हरी गुण गाने लगी इसका मतलब यह है कि अगर फोकस करो तो पूरा यकीन कर लो विश्वासघात होएगा ही नहीं या तो उतना सरेंडर करो ना कि एक ही आदमी की बात सुनो सिर्फ एक ही वो भी अगर गुरु अच्छा नहीं है तो आप शिष्य अच्छे बन जाओ ओके okay, ओके okay. पर मैं फिर से आपको एक्सरसाइज परस्पेक्टिव से पूछूंगा स्पेशली जो टीन एजर्स कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी है उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए अपने एक्सरसाइज सिस्टम के लिए जैसे जब मैंने फुटबॉल स्टा, स्टार्ट किया एट एज ट्वेंटी फाइव मुझे बहुत ज़्यादा फायदे मिले कार्डियो के लिए एंड आई ऑल्सो फेल्ट की मेरे टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टोरॉल लेवल मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी वुड यू लाइक टू से क्योंकि तुमने मुझे बोला था पॉडकास्ट से पहले कि जस्ट से इट द वे यू डू मेरा समझाने का तरीका यही है कि ना हम लोग लिमिट कर रहे हैं अपने आप को कि जिम के बाद क्या करना चाहिए आपका दिमाग बताएगा क्या करना चाहिए ओके okay. आपकी संगत आपको ले जाएगी वहाँ पर हर किसी की जर्नी अलग होती है हंड्रेड परसेंट ओके फिर एक पैशन आ जाता है द्वेस्ट द नॉलेज की जो जिज्ञासा है जैसे अब अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ बैलेंस में मुझे लगा कि मुझे हिलाना मुश्किल अभी हमने जो मूवमेंट की आई जस्ट स्टॉप हिम फ्राम मूविंग मी सो मैं बैलेंस में बहुत उमदा हूँ फिर मैंने रोलर ब्लेड्स देखे वो तो मूव कर रहे हैं फिर और मन किया तो आपका मन बताएगा क्या करना है आफ्टर फुटबॉल डिड यू डू स्ट्रेचिंग उसके बाद uh, अभी आई होप आई कैन स्टार्ट मार्शल आर्ट्स अगेन तो जिसकी स्ट्रेचिंग पहले से ही अच्छी है और कार्डियो स्ट्रेंथ वैसे ही अच्छी है अब वो क्या करे हर आदमी अलग है हर आदमी का सिस्टम अलग है hmm. बहुत अलग है पहले तो ना आपको ढूंढना पड़ेगा वॉट इज द काइंड ऑफ एथलीट यू वॉन्ट टू बी आपको रनिंग स्ट्रेंथ चाहिए पचास किलोमीटर भाग सकते हैं फिर कार्डियो पे काम करिए आपको भागने का शौक है भागो आई थिंक जब लोग आपकी बातें सुन रहे मोस्ट पीपल आर लिस्निंग डू फ्रॉम एन एस्थेटिक्स फॉर द लुक्स मैं उसी परस्पेक्टिव से पूछूंगा फिर से, आप से कि ऐसे एस्थेटिक्स फॉर्म होता है हर मसल पे काम करो कैसे परसों मैं अपने एक दोस्त को फ्रंट लीवर समझा रहा था अब फ्रंट लीवर है आप बार पे लटकते हैं अपनी पूरी बॉडी आर्म्स को सीधे करके पूरी बॉडी को इस एक ऐसे एंगल पे लाते हैं वो तो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है हो नहीं रहा है। so सो मैंने उसको देखा और उसको मैंने बोला नीचे उतरो अब तुम दोबारा जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन कौन सी मसल्स लूज हैं सो ही फाउंड अ फ्यू मसल्स इन बॉडी विच वॉट एक्टिवेटेड जैसे कि वो कोर को खींच तो रहा था मगर वैक्यूमिंग पोज में नहीं खींच रहा था सो so, जो कॉक्सिक्स है जो आपकी स्पाइन की सबसे नीचे होती है जो टेल होती है उसको भी अंदर जाना था hmm. सिर्फ उतनी सी मूवमेंट में वो हुआ एस्थेटिकली अगर वो मसल समझ आ जाएगी यू डोंट नीड सो मच स्ट्रेंथ और जब वो मसल एक्टिवेट हो जाएगी आपके एस्थेटिक वैसे हो जाएंगे जैसे आपको चाहिए ओके सिंपल वर्ड में जो तुम जानना चाहते हो मैं बता देता हूँ दस बाइसेप कर्ल पंद्रह प्रीचर कर्ल ये करने से कुछ नहीं होगा बाकी की तरह दिखोगे थोड़ी टाइम बाद इंजरी हो जाएगी फाइंड योर ओन स्पॉट ओके फाइंड ऑन स्पोर्ट आउटसाइड ऑफ जिम ये जिम में भी स्पोर्ट है ओके okay. मैं जिम में लोगों को देखता हूँ बोलते हैं फॉर्म उनके मुताबिक हर चीज़ के फॉर्म्स हैं बट ह्यूमन एबिलिटी तो कहीं पे भी घूम जाती है ओके hmm. ओके okay. okay. मैंने पुशअप्स किए थे लोगों को दिखाने के लिए कि दिस नो फॉर्म की ये एल्बो ऐसा इन ऑल माई इस फॉर्म पूरा घुमा के नो फॉर्म अगर आप किसी को भी मास्टर कर लोगे फॉर्म है hmm. मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा जो सुनने वाले हैं उनको ये समझना है कि विद विद्युत सर, सर एस्थेटिक्स का क्या किया जाए? <laughs> स्टेप जिम जाओ जो, जो सब लोग कर रहे हैं करो बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सिंपल वो बेस्ट वर्जन बनते बनते आपको दिखने लग जाएगा आपको क्या क्या करना है अपनी मर्जी से वो सब कर पाओगे पहले घुसो तीन महीने में बॉडी नहीं बनेगी छ महीने में नहीं बनेगी दो तीन साल लगाओ इन सिंपल वर्ड्स खुद के बॉडी को जानो और फिर उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज जान, जान जाओगे करते करते जान जाओगे जानने की कोशिश भी मत करो करते रहो okay. आपने जूडो किया और छोड़ दिया अगर करते रहते आज कहाँ होते हंड्रेड परसेंट हफ्ते में एक बार इमेजिन इतने पुराना सीड अगर अभी भी हो रहा होता मेरी लाइफ की एक रिग्रेट है honestly. रिग्रेट नहीं होनी चाहिए उसके बाद तुमने बहुत तरक्की की मानसिक वो तो अच्छा ना यार ये पॉडकास्ट का एंड बिल्कुल नहीं है पर मैं ये डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि आई फील ये मेरे लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट पॉडकास्ट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मार्शल आर्ट्स शायद इसी का इंतज़ार था मेरी लाइफ में पर अभी हम पेस को थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है अभी चिल कॉन्वर्सेशन करेंगे देखो तो जब वो तो तुम्हारा चिल कॉन्वर्सेशन हाँ, ओके ऑनेस्टली ये हमारी एक रीसेंट प्रैक्टिस है ये हमारा नया राउंड है इट्स कॉल्ड आजियो कीप इट कैजुअल और इस राउंड की वजह से मुझे मेरे गेस्ट के दिमाग और दिल के बारे में बहुत कुछ पता चला आजियो कीप इट कैजुअल जी बर ऑनेस्टली इट हेल्प्स मी नेविगेट द पॉडकास्ट और पॉडकास्टिंग एक ईजी जॉब हो सकता यहाँ एक बहुत मुश्किल जॉब हो सकता है पर अगर आपने मुश्किल गेम चुनी तो पॉडकास्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आई I... लोगों को मुश्किल चीज़ें पसंद है मैं सच बोल रहा हूँ हम हाँ? लोगों ने ना लाइक मुझे लोग पूछते हैं कि सर आपने इतनी स्ट्रगल की इतना हार्डवर्क किया मुझे बहुत मजे आए मार्शल hmm. yeah. Ma पर... मेंटालिटी ओके okay. कैजुअल okay. जियो कीप इट कैजुअल रखो ओके <laughs> okay. एक फिटनेस टिप जिससे आपकी लाइफ बदल गई ब्रेकिंग द मिथ ऑफ डिसिप्लिन। मतलब? <laughs> मतलब लोगों का डिसिप्लिन का मायने कि चार बजे उठो पांच बजे ये करो छह बजे वो करो दैट इज वो टॉर्चर है किसी के जूतों को देखकर आपको उनकी पर्सनालिटी की एक झलक मिल जाती है उस नजरिए से What's your favorite pair of shoes ever? Yeah, ever wala hota nahi. It's ever evolving. The mind is evolving. The foot foot is evolving. The the what you do with your foot is evolving. आजकल मुझे New Balance बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो grippy हैं और काफी floor से चिपके रहते हैं. Uh, I enjoy that part. So, तो तो क्या? Floors मतलब floor से चिपके रहते हैं तो क्या? No, sometimes you want to be a little. जैसे कई बार मन करता है boots पहन के घूमो. Like you the okay. that whole vibe. आपकी walk change हो जाती है. Okay. कई बार आपको लगता swift और agile. आजकल मैं उस जोन में हूँ ओके okay. शारीरिक फुर्ती मानसिक संयम ओके okay. क्यों क्यों पर आप एजिलिटी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ ओके okay. पर आप में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एजिलिटी आप उस एजिलिटी को बढ़ाना चाहता हूँ किसी के पाँच सौ रुपये का नोट है यहाँ पे सौ रुपये का नोट है अब आप आके बैठेंगे यहाँ पे एजिलिटी के बारे में बताता हूँ यार एक जस्ट लाइक अ फन फैक्ट श्योर सो मैं आपको ट्रेन करता हूँ अगर यार आपने जीत लिया तो आपके पाँच सौ रुपये हो जाएंगे नहीं तो आपको मुझे देने पड़ेंगे पहले ट्रेनिंग करेंगे हम आप यहाँ हाथ रखिए और क्या भाई वॉच में सो बेसिकली अपने ना सेंसेस को थोड़ा स्ट्रोंग कर अपने आप से बी फास्ट देन डोंट जस्ट वेरी गुड दैट्स अमेजिंग थोड़ा फास्ट कर बहुत बढ़िया योर ट्रेंड वेल डन मैं यहाँ नोट रखूंगा आप यहाँ पे अपना हाथ रखेंगे करना क्या है मैं यहाँ से भी नोट निकाल सकता हूँ इधर से भी निकाल सकता हूं इधर से भी निकाल सकता हूँ तो तुम जब मेरा हाथ मूव होगा तब मूव करोगे रेडियो उनको <laughs> दे दो क्यों नहीं मूव हुआ सॉरी तो hmm. yeah. उसकी ट्रेनिंग यू like तपस्या करते रहनी hmm. पड़ेगी He's a former boxer. He's isn't? a very quick guy. Yeah. I saw him when I entered. He was not the guy telling me be careful. He knew I would be careful. So I could tell that he knows what safety is. Actor training training yeah, my athlete acting is a part of my job. Okay. Athlete. It's a part of what you do overall. Yeah, which I love. It's like my dreaming days. Okay. मार्शल आर्ट्स गेव मी डैशी आई एम नॉट फिटर आई एम नॉट फिटर बेस्ट फॉर्म फिजिकली तो मैं अभी इस समय नहीं बोल पाऊंगा मैं छह महीने पुराना बता सकता हूँ ओके आई वॉज नॉट फिटर देन द वर्जन दैट आई वॉज इन कमांडो थ्री आई वॉजल एनवीएस ऑफ मी मैंने कहा तुम कमांडो थ्री में चमक रहे थे फिर मैंने मेहनत की अभी क्रैक के लिए सो आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी राइट नाउ बट किस से आप पर मैं अपने आप को एक स्ट्रक्चर में देख रहा था कमांडो थ्री में एंड मैंने सोचा जब मुझे क्रैक में आना है आई इट्स नॉट ओनली अबाउट एब्स एब्स हम लोग abs की बात करते एट पैक एक मर्द में स्पाइनल सिस्टम स्ट्रॉग होना चाहिए अगर आपकी स्पाइन स्ट्रांग है तो आपका सब स्ट्रॉन्ग है मगर हम लोग सिर्फ एब्स दिखाते रहते हैं सर शो मी एब्स अरे स्पाइन की शक्ति देखो ओके आई कैन इम्प्रूव माई फिटनेस लेवल्स एट दिस पॉइंट बाय डैश ये उस हर समय इम्प्रूव कर ही रहा हूँ सो so, मतलब ये वो है जिज्ञासा मतलब ये चली रही है उदाहरण दो जैसे क्या जवाब देना होता है um, शायद कोई एक्टिविटी जूडो अच्छा वैसे बोल रहे हो तुम नहीं वो सब मैं कर ही रहा हूँ कर ही रहा हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट और वर्स्ट चीज क्या है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट चीज ये है कि अगर आपको लगता है तो हो जाएगा गारंटेड और वह चीज़ है कि अगर आपको कहीं सबकॉन्शियस में नहीं लगता है कहीं भी एक छोटा सा चोर है वो आप ही का चोर है नहीं होगा ओके okay. वस्त चीज़ है okay. वो आप ही पर डिपेंडेंट है okay. right. आपकी लाइफ की सबसे पेनफुल मेमोरी क्या है और उस मेमोरी से क्या सीखा मैं उनमें से हूँ जिसको पेन का शौक है क्योंकि वहाँ से बहुत सीखने को मिलता है सो फिज़िकल पेन मैंने हर तरह की लिए रिब्स तोड़िए लाइक मैंने नारियल की पेड़ में मार मार के अपने शिन पूरे तोड़ दिए थे uh, अभी रिसेंटली हैव एन एंकल इंजरी राइट नाउ लाइक मैसिव स्प्रेन सो हर इंजरी से सीखा कोई इतनी पेनफुल हुई मतलब हर पेन में बहुत मज़े आए हैं बट मुझे लगता है जितनी भी पेन मैंने एक्सपीरियंस की mm -hmm. जितनी भी उसमें जेलसी बहुत ख़तरनाक हार्ट ब्रेक बहुत खतरनाक वो दर्द करना निवारण है ही नहीं कहीं कही जेलेसी मतलब पॉजिटिव अरे उफ बहुत ज्यादा पॉजेसिव नहीं मैं हूं नहीं होता है जब बोली साइड मेरी आती है मुझे बहुत मजा मतलब आता है मजासी और ये टाइप हाँ। निकल जाती है यार ओके ओके कूल उससे सीखा क्या कि बहुत मजा आते हैं अगर लेने शुरू कर दो उसके बाद मर जाती है थोड़े टाइम बाद कूल विद्युत जामवाल विद्युत जामवाल क्यों बने मुझे लोग बोलते हैं एम हाई डिजायर ड्रीम ड्रूम बचपन में सुना था लाइक मुझसे कल ही कोई पूछ रहा था कि हाउ ड्यू मैनिफेस्ट थिंग्स तुम्हारे साथ बहुत जल्दी होता है आई हैड अ फ्रेंड अ फैंसी कार आई वन वी जब मैं उसकी गाड़ी में बैठा मैंने कहा अरे यार मेरे दोस्त के पास गाड़ी है मैं बहुत खुश हुआ लेकिन बहुत खुश हुआ मुझे ये नहीं था कि मैं लेना चाहूँगा थोड़े साल पहले मैंने वो गाड़ी ली एंड आई रियलाइज वाह मांगने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ में खुश हो जाओगे तो आ जाएगा ओके अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ एक ह्यूमन वैल्यू सिखा सकेंगे तो कौन सा ह्यूमन वैल्यू होगा सिर्फ एक ह्यूमन वैल्यू जिससे मैं जीता हूं मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें कोई धोखा दे सकता है नो नो कैन बिट्रे यू अगर आप इस बिलीफ में रहोगे ना तो आपके साथ बिट्रेल होगा नहीं अगर आप शक करते रहोगे सोचते रहोगे कि ये हो सकता है वो हो सकता है मेरे इनके साथ हुआ था

जो आपने यूज किया है और उनके यूज से आपको क्या पता चला है? मैंने सबसे पहले बचपन में जब मैं एथलीट था प्रोफेशनली फाइट भी करता था रिंग में सो क्रिएटिन के बारे में पता लगा था बहुत मजा आया था अरे यार सो आई रियलाइज दैट इट गिव्स मी अ स्ट्रेंथ दैट आई डिड नॉट नो आई पोजेस फिर मैंने पढ़ा और मुझे समझ आया कि वो वाटर रिटेंशन करता है मैंने कहा साइंटिंग जीनियस वेरी वेल डन आसान मैंने बहुत टाइम तक आई इन्जॉय दैट सप्लीमेंट अब मैं नहीं आई डोंट कंज्यूम क्रिएटिन सो मच क्योंकि

और मैंने चूज भी इसलिए किया तो बहुत सालों से मेरे पास बहुत लोग आ रहे थे लाइक एवरी इंटरनेशनल ब्रांड इज कम टू मी फॉर ऑब्वियस रीजन्स उनको लगता है कि मैं बेच पाऊँगा बट क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ सब फेक होते हैं नकली होते हैं इनकी कंपनीज भी आ रही आ नहीं रही आई वॉन्ट इट समी हो ट्रस्ट सर फिर मुझे गेटरेड एज अ ड्रिंक बॉल चली थी ओके okay. like,

मैंने आधा घंटा धूप में लेट आऊंगी मुझे बहुत मजे आते हैं इन द सन जो लोगों को पता नहीं उसकी अहमियत आपकी 99% ये जो मिनरल्स वगैरह हैं ये तो खत्म लाइक यू डोंट नीड एनीथिंग द सन इज ब्लॉसमिंग एवरीबॉडी आप सनस्क्रीन यूज करते हो बिल्कुल भी नहीं मैं भी नहीं पर ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है मतलब अगर ये हमने पब्लिकली कहा तो रील्स बनेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा क्योंकि आई बिलीव बहुत सारा रिसर्च हुआ है सनस्क्रीन को लेकर और डर्मैट्स डर्मेटोलॉजिट डॉक्टर्स ये मानते हैं कि सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है स्पेशली फॉर एंटी एजिंग पर जस्ट ऑन अ पर्सनल लेवल मैं खुद यूज नहीं करता आई डोंट नो वाई और आई फील मतलब आई एम एजिंग वेल लाइक मुझे एंटी एजिंग प्रॉब्लम नहीं है yeah. uh, एक YouTube चैनल है सात्विक मूवमेंट अगेन uh, थोड़ा सा कॉन्ट्रवर्शल चैनल है क्योंकि uh, वो बहुत योगिक ओपिनियंस uh, पेश करते हैं.

फिर मैंने रियलाइज किया कि कुछ मजे नहीं आ रहे टाइप कुछ हो तो रहा नहीं है थोड़ा काले थोड़ा शेड का है एंड देन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ द सन एंड मैंने सरेंडर कर दिया दाग आ रहा है काला हो रहा है शूटिंग हो रही है कुछ नहीं हो रहा है आई कुड बी वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स इन इंडिया हु मेकअप इज गेटिंग स्पॉट मैं छाता इस्तेमाल करना पसंद इसलिए नहीं करता हूँ पहले तो मुझे अजीब सो लगता है कोई पीछे खड़ा रहे और uh, उसके अलावा आई एंजॉय द सन मुझे डर नहीं उससे इश्क है सेम सेम। जब प्यार हो ना तो तुम्हें हाम कर ही नहीं सकता same. है लाइक मुझे यकीन नहीं है कि बस स्किन लगाना तो लगाओ। आई फील कि इस डोमेन में रिसर्च होना चाहिए इट्स नॉट द एंड ऑफ द रिसर्च अगला सवाल मेंस सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अपने सारे छोटे भाइयों को पांच सच सिखाइए मैंने वीडियो बनाया था रेक्टल डिसफंक्शन में 2020 में मुझे मेरी टीम ने बोला सर प्लीज मत डालिएगा um, उनकी ने, मैंने बात नहीं सुनी और 2020 में वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट वॉस्ड था uh, पांच पूछ का पता नहीं पीपल आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट दज एन एनर्जी फ्लो यू जस्ट नीड टू कीप मूविंग इट वो एनर्जी अगर आपको फ्लो करने आ गई तो बहुत ओवर हाइट है अगला सवाल आई रेडी तीस सेकेंड में आपको हमें वर्कआउट मोटिवेशन देनी है विद यू यू रेडी जो भी करना है एक दिन पहले जो आप सोच रहे हैं अगले दिन करने का कि मैं जिम जाऊंगा और आज मैं चेस्ट करूंगा अगर आप नहीं उठ पाते हैं कोई बात नहीं दोपहर को चले जाना नहीं उठ पाते हैं शाम को चले जाना नहीं हुआ रात को सोने से पहले कुछ तो करिए चेस्ट का दैट्स द ओनली थिंग प्रोग्रेशन हो जाएगी अपने आप पर ना बहुत मुश्किलएं मत डालो अगर आपको कोई चीज़ कोई चीज़ अचीव करनी है सो so, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अपने आप को समस्या में डालने की जरूरत है तपस्या का ये मतलब नहीं है कि अब अपने आप को दुख पहुंचाओ पहुँचाओ इंजॉय करो जब मन करता है करो ओके okay. uh, आपके अकॉर्डिंग आप कौन सी आउटफिट में सबसे स्टाइलिश दिखते हो बिना More कपड़ों cute. के मुझे <laughs> मैं बहुत स्टाइलिश <stylish> लगता हूँ <laughs> हर मसल का ध्यान दिखता है बहुत मजे आते हो बिना कोई भी कपड़ों के जी ओके और राइट अगला सवाल क्या बॉडी की वजह से लड़कियां पटती हैं अगर हाँ तो क्यों अगर ना तो क्यों डिपेंड करता है कई लड़कियों को जिज्ञासा होती है बॉडी की सो so वो लड़कियाँ प्रभावित हो जाती हैं दिगे इंटरेस्ट और कई लड़कियों को जेनुन मैन जो उनकी कदर करें उनकी इज्जत करें उनका रेशो ज़्यादा हाई है वैसे हाँ वो पसंद आते हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा डिस्प्ले किया जाए तो बॉडी बूडी कुछ फर्क नहीं पड़ती ओकेट okay, right. और एक आखिरी सवाल 18 साल के विद्युत को आप क्या कहोगे अगर आप आज उससे मिले तो बहुत मजे किए तुमने जिसे तुम मेहनत समझ रहे थे वो तो मजे थे वेल well डन विद्युत ये जब हम कॉलेज जाते हैं ना इंजीनियरिंग आईटी के लिए आईटी रुड़की सो वहां बहुत तपस्या करनी पड़ती है बट वो स्ट्रगल थोड़ी है वो तो मेहनत है नेक्स्ट चीज के लिए सो अठारह साल में जो चल रही थी वही थी आई में थे मैं, okay. मैं आई में था फिजिकली okay मेंटली अभी क्योंकि इस राउंड uh, के एंड तक हम पहुंच चुके हैं विद्युत जमवाल अभी मुझे पता कि मुझे आपसे किन चीज़ों के बारे में बात करना है वेरी गुड ऑल राइट आई फील कि बहुत सारे भारतीय मर्दों को एंड भारतीय लड़कों को बंदों को सेक्शुअल uh, एडुकेशन की ज़रूरत डेफिनेटली है बहुत कम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है ठीक है अभी हम सेक्स गाइड तो नहीं देने वाले पर जस्ट पर्सनल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करने वाले स्पेशली टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड आपने क्या सीखा है इस टॉपिक के बारे में एज यू ग्रोन ओल्ड क्योंकि हाँ मतलब क्या सीखा मतलब क्या होता है टेस्टोस्टर के बारे में टेस्टोस्टर uh, को इंक्रीज कैसे करते हैं इन चीज़ों के बारे में आप सोचते हो इन चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करते हो Because मैं डिसफंक्शन के टॉपिक पे कई बार बातें कर चुका हूँ किसी ना किसी तरह से पूछ ही लेता है कि क्या है। करते हैं, करते हैं। ये बड़ी बात होगी ना कि यार मैं दुखी हूँ दुखी तो हो सकते ना दिन में एक बार मगर हम उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि वो सारा दिन लेके घूमते रहते हैं सुबह एक घंटे के लिए मैं दुखी था क्योंकि मेरे दोस्त का ये कुछ हो गया था बट वो सारा दिन थोड़ी लेके घूम सकते हो। okay. okay. और बहुत सारे लोग को के साथ करते words हैं, Sorry? Words words हैं हैं। हैं। okay. हैं। पर मैंने आपका वो देखा है। जी। उसमें आपने कुछ stretches दिखा जी। और कुछ दिखाए दिखाए और और योगा में भी ये कहा जाता है कि देर आर एक्सरसाइजेस फॉर योर टेस्टोस्टोरॉन लेवल्स आप भी मानते हो यार हम लोग लिमिट करें टेस्टोर से इरेक्टाइल फंक्शन uh, का सिर्फ हम एक ही मुद्दा ले रहे हैं परफॉर्मेंस <coughs> एग्जाइटी भी एक वर्ड है दे दिया है कि तो लोगों को लगता है कि अभी मुझे लगता है मुझे परफॉर्मेंस एग्जाइटी हो रही है परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होती है वो भी सी एवरीथिंग इज इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस टू स्टार्ट इंक्लूडिंग मेकिंग लव इट हर चीज दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रैक्टिस से बेहतर नहीं हो सकती नंबर वन आप प्रैक्टिस मन में भी कर सकते हैं मैं कई बार मार्शल आर्ट्स की मूव्स लेटे लेटे करता रहता हूँ करता रहता हूँ नेक्स्ट डे जब मैं फिजिकली करता हूँ तो हो जाती है कमाल hmm. विजुअलाइजेशन नहीं मतलब अंदर तपस्या तो चलती रहती है जैसे कई बार लाइक इफ आई हैव टू मेमोराइज अ डायलॉग मैं मन में सोचता रहता हूँ और जब मैं सेट पे जाता हूँ बोल देता हूँ सो मन में भी हो सकती है प्रैक्टिस सो व्हाट आई मीन इज एवरीथिंग डिजर्व्स एंड नीड्स प्रैक्टिस सो इज लव मेकिंग यू नीड टू फाइंड अ पार्टनर हु इज कंफर्टेबल विद यू यू मेक द पार्टनर कंफर्टेबल एंड वंस यू मेक द अदर पर्सन कम्फर्टेबल यू विल कम्फर्टेबल वो जो परफॉर्मेंस एंगजाइटी है ना वो गेम ही है कि मुझे परफॉर्म करना है ऐसा होता नहीं है फिर तो मेरे ऊपर बहुत समस्या होती है ना कि विद्युत इज माइ लवो टूडे एंड कमांडो पता नहीं क्या कर देगा सो so hmm. मेरे ऊपर तो बहुत परफॉर्मेंस एंग्जाइटी hmm. होनी चाहिए बट इट्स नॉट अबाउट यू इट्स अबाउट द अदर पर्सन यू मेक द अदर पर्सन कम्फर्टेबल इट ऑल फ्लो और जो मैं एक्सरसाइज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मेरे जो मैंने यूट्यूब में डाली थी यू नीड टू डू इट प्रैक्टिस अपने औजार को तैयार रखना पड़ेगा जब मैदान जंग में जाएंगे इट शुड बी शार्पन्ड वार्पनिंग इट मीन्स टू वर्क ऑन इट ट्रेनिंग सिंपल इतना मुश्किल नहीं है बहुत बड़ी समस्या बना दी है लोगों ने जैसे डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब चल के आ रहा है hmm. कोई खुशी के बारे में नहीं बोलता है कि चौबीस घंटे खुश रहता है पागल आदमी है कोई ऐसे क्यों नहीं बोल रहा है हाँ hmm. खुश है hmm. आई जेनविनली बिलीव यू नीट टू देखियो आसमी तुमने शुरू में पूछा था कि गुस्सा आता है अरे गुस्सा जेलसी प्यार ओवर पोजिवनेस बहुत सारा प्यार खतरनाक प्यार उससे भी पागल पागल, पागल पागल प्यार वो भी आता है यार सो so, सब एक्सप्रेस कर दो के निकल जाता है इफ़ यू फीलिंग सैड यू से फीलिंग सैड थोड़ा रहते हैं कि हो क्या सैडनेस में थोड़ी देर रहो ऐसे भागती है वो आ, फिट बंदों को भी ED या परफॉर्मेंस एंगजाइटी के इशू होते हैं आपके अकॉर्ड आप बताइए आप फिट हैं आई uh, फील कि हर बंदे को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का इशू कहीं ना कहीं हुआ है अपनी लाइफ में पर वो एक मेंटेलिटी बेस्ड इशू है एंड ऑनिस्टी जब मेरे साथ हुआ देन वॉज अ लॉट यंग आई फील की जिस मेडिटेशन एट फिक्सड इट मेडिटेशन की वजह से बहुत शांत हो गया एंड देन आई सॉ दिचुएशन फॉर वॉट इट इज राधर देन परफॉर्मेंस एग्जाइटी जो आप कह रहे थे ना कि फ्लो में आना चाहिए uh, वो फ्लो क्रिएट हुआ मेडिटेशन की वजह से क्योंकि दिमाग शांत हो गया जितना ज़्यादा आपका दिमाग शांत होगा और जितना ज़्यादा आप उस मोमेंट में हो सेक्स के टाइम उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी सेक्स लाइफ होगी दिमाग को शांत करने की ज़रूरत ही नहीं है और शांत कर दो ना उससे पागलपन कर दो उसे किंक भी बोल सकते हैं करो वेन आई मीन प्रैक्टिस ट्रेनिंग इसके कहने का मतलब ये है ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग ब्रीदिंग के बारे में सोचते ही नहीं है जब हम स्टेज पे जाते हैं आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है मैं बर्फ में था तीन घंटे इससे समझ जाएंगे आप सो so, जब आप अंदर जाते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हार्ट रेट शूट करती है दिमाग में वो दोस्त जो जो बोले होते हैं ना ख्याल आने लग जाते हैं कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो वाला थर्मिया हो जाएगा ऑल दिस था स्टार्ट कमिंग टू यू एंड देन यू से आई डोंट लिसन टू इट आवर आर फोकस ऑन ब्रीदिंग फिर आप ब्रीथ करते हैं ब्रीथ करते हैं थोड़े टाइम संयम आ जाता है सिमिलरली परफॉर्मेंस एग्जाइटी यू फिगर योर ब्रीदिंग आउट

आपको चलानी सिर्फ तीन आती है आप चार चला रहे हैं साइकिल को बीस में चला ही नहीं रहे हैं तो खराब तो हो जाएगी सो यूज योर बॉडी टू द एवरी फैंटसी एवरी थॉट दैट्स इन योर माइंड ट्राई एंड एग्जीक्यूट आप बेसिकली कह रहे हो कि हर बंदे का एक अलग सिस्टम yes, है खुद के सिस्टम को hmm. जानो एट द सेम टाइम जब सेक्शुअलिटी की बातें कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करो जैसे लाइक वोट यू इन्जॉय अबाउट द पर्सन नेक्स्ट यू इन्जॉय द स्मेल अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अभी परफॉर्मिंग एग्जाइटी बात करें उससे ध्यान हटाओ ना तुम्हें किस चीज में लुत्फ आ रहे हैं तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या है वो सब नहीं ओके it, okay. वो ट्रेनिंग है एंजॉय लाइक वेन यू हैविंग लाइक बिकॉज यू आस्क मी फॉर अ टिप वन ऑफ देम इज लाइक जस्ट बिफोर हैविंग एन यू यू नो आर अबाउट टू अराइव

खड़ा नहीं हो रहा है बेसिकली बेसिकली द ब्लड इज नॉट रीचिंग वेर इट नीड्स टू रीच सिंपल सारा ब्लड का खेल है अब ब्लड की मूवमेंट ब्रीदिंग से होती है hmm. अगर घबराहट हो रही है आपकी हार्ट रेट अलग चल रही है सो ब्रीदिंग गलत जाएगी वैन यू आर लाइक फेयरफुल ब्रीदिंग अलग हो गई आपकी तो आप ईज पे हैं ही नहीं जब स्टेज पे खड़े होते हैं आपकी हार्ट रेट हार्ट होती है तो आपकी द वे यू स्पीक इज डिफरेंट अंडरस्टैंड काम डाउन इसका मतलब कहते हैं काम डाउन इसका मतलब क्या होता है सब बोलते हैं किसी की डेथ होगी काम डाउन अरे काम डाउन कैसे कर लूँ पागल हो गया मैं वोट इट मीन गेट इन टूर ब्रीदिंग थोड़ा रिलैक्स करो ब्रीदिंग को क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग आपके ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से आपके थॉट्स बदल सकते हैं आपकी हार्ट रेट ऑब्वियसली बदलती है आई बिलीव इट्स मतलब मैं एक uh, प्रोफेसर को फॉलो करता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर एंड्रू ह्यू बोमिन वो कहते हैं द सिंपलेस्ट वे टू काम योर माइंड डाउन इज टू कीप लगर एक्सेल्स दैन इन्हेल्स तो अगर आपके इनहेल्स लॉन्ग है ऐसे और एग्जेल शॉर्ट है तो आप एंशियस हो सकते हो क्योंकि आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है पर अगर आपके इन्हील्स शॉर्ट है आपके एग्जेल्स लंबे है यू कैन ईजली स्लो डाउन योर हार्ट रेट इसे हम जब बनाए वर्कआउट जब पुलअप्स कर रहा होता हूँ पुशअप्स कर रहा था वेट कर रहा होता हूँ जिमनास्टिक कर रहा था सबमिशन्स कर रहा होता हूँ ब्रीदिंग बहुत अलग होती है बट hmm. मैंने जो देखा है एथलीट्स ना वो ब्रीदिंग में ध्यान रखते हैं टेक अ डीप ब्रेथ ब्रीदिंग तो आप कुछ भी कर लें ब्रीथ करेगी बॉडी वी शुड फोकस ओनली ऑन एक्जेलिंग ओके मैं देखता हूँ लोग काउंट करते हैं वन वन तो हमारा होना चाहिए एक्सेल में ब्रीथ लाइक ट्राई एंड स्टॉप योर ब्रेथ यू विल फेल बिकॉज द बॉडी विल ब्रीथ Hmm. कोशिश कर ले रोक पांच मिनट तीन मिनट <laughs> वो अपने जो जो ब्रेन है जो मैं बोल रहा था कि वो प्रोटेक्ट करता है आपको वो कुछ ना कुछ करके छुड़वा देगा हाथ hmm. कि बस हो गया हो गया हो गया आई थिंक टू क्लोज दिस सेक्स टैंजेंट बस नॉर्मल चीजों पर फोकस करो एक्सरसाइज क्लीन डाइट उसके साथ, साथ दिमाग पर भी कंट्रोल लाओ जिसे कहते चिल करो या hmm. द पेल्वि है मूव जो मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ पेल्विस मूवमेंट की जरूरत है वो स्ट्रेचिंग है वो ब्लड फ़्लो आएगा like, hmm. जब ब्लड आना शुरू हो जाएगा ब्लड फ्लो क्यों रुकता है इधर दॉट इज स्टॉपिंग एड और द बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ गैरिंग ब्लड दैट सो कई एक्सरसाइज है वो करते रहो बहुत सिंपल हैं hmm. बहुत बड़ा हवा मना दिया इन्होंने ओके और राइट अभी मैं एक बहुत रॉ चीज़ कहूँगा uh, और इसलिए मैं इस पॉडकास्ट में ह्यूमर नहीं ला पा रहा हूं मुझे लाना था बट इट्स जस्ट नॉट कमिंग नहीं तो मैं बहुत so old was he. He was 93 ग्रेट प्लेस अबाउट इट फॉर द सेम रीजन दैर सेंडरी गुड लाइफ नहीं मेरा एक और भी पहलू है सो मैं जब छोटा था ना मेरा एक दोस्त था स्कूल में भाई सेट टुगेदर हम फुटबॉल में टीमें होते थे सो so, हम फुटबॉल खेलने जब जाते थे हिज फादर यूज़ टू कम विद हिम बहुत पिताजी के साथ आता था बट ही वाज नॉट द बेस्ट प्लेयर वो बेंच पे रहता था वो इलेवेंथ प्लेयर था उसकी चांस नहीं आती थी वी स्टार्टेड प्लेइंग द मैचेस इन द स्कूल एंड आई पी एस सी चैम्पियन था चैम्पियनशिप uh, थी हिज फादर यूज टू कम एवरी डे उसको चांस नहीं मिलती थी आई वॉज वेरी गुड सो आई वॉज ऑलवेज ऑन द फील्ड जिस दिन फाइनल था हम लोग फाइनल तक पहुंच गए समाओ उसने अभी तक एक भी गेम नहीं खेली थी उस दिन उसके डैड नहीं आए सो देन ही केम एंड वी वर प्लेइंग सो टू ज़ीरो हो गया फर्स्ट हाफ में हम सेकेंड हाफ में जाने लगे सो दैट बॉय केम टू माई कोच है सर मुझे खेलना है सो कोच सर नहीं नहीं अभी तुम नहीं खेल सकते हो लाइक टू जीरो चल रहा है सेकेंड हाफ़ में थ्री ज़ीरो हो गया एंड फिफ्टीन मिनट्स बिफोर द थिंग एट कम टू ले मानने आया था सो so वो लड़का दोस्त कोच को बोलता सर मुझे प्लीज़ खेलने दो सो कोच लुकड एट द स्कोर इट वॉज थ्री जीरो सो इस मैं तुम्हें पाँच मिनट देता हूँ तुम चले जाओ सो ही तीन गोल स्कोर कर दिए उसने पाँच मिनट में सो वी ऑल कैर है मैं अरे एक बार कर दिया ये वो सो देन द कोच सेट कि मैंने आज तक जिंदगी में फेलियर नहीं देखा है ऑफ चूजिंग डिसाइपल और अ स्टूडेंट और एन एथलीट तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया कैसे खेले तुम क्या खेले तुम सो ये सब मेरे डैड मेरे साथ रोज आते थे एंड ही इज बिन हेड ऑफ ये जो ब्लाइंड स्कूल होते हैं उनके एंड ही वॉज हिमसेल ब्लाइंड ही नेवर सॉ मी नॉट प्ले उनको लगता था मैं खेल रहा हूँ और अभी बेंच पे बैठा हूँ खेल रहा हूँ ही पास्ड अवे अबाउट टू डेज बैक एंड टुडे इज़ वॉचिंग मी फ्रॉम द टॉप सो मैं उनके लिए खेला हूँ पूरे जोश से ही इज़ वॉचिंग यू नाउ ही इज़ वॉचिंग एवरी पॉडकास्ट सो लाइक You you should should be in a happy mood. Should happy. mood. He feel No, yeah, I I I I am uh, तो <laughs> <laughs> I appreciate it, I'm I'm just uh, I think close relative death first time कुछ hmm. बदलता है आप में आई फील कि हर कोई इसे अलग तरीके से प्रोसेस करता है कोई कोई लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं आई डोट थिंक आई हैव दैट लेफ्ट इन मी एंड आई आई थैंक गॉड फॉर दैट think इतनी ज़्यादा इमोशन होना एक अच्छी चीज़ होती है सिद्धार्थ शुक्ला की मोम से मैं मिला था सिद्धार्थ की डेथ के बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो सो so, उसकी ने एक बहुत कमाल की चीज़ बोली सो ऐसे आंटी आप कमाल कर रही हैं लाइक आई लव द वे यू आर लाइक आई लव द वे यू आर कंडक्टिंग यो सिर्फ आप इतने प्यार से लोगों से मिल रही हैं मैं बहुत खुश हूँ सो so, आंटी ने मुझे बोला कि यार विद्युत दो ऑप्शन थी सारी दुनिया सिद्धार्थ के लिए रो रही है कि सिद्धार्थ चला गया सिद्धार्थ चला गया सिद्धार्थ चला गया आई ऑलो डो वी वन ऑफ दैम सब रो रहे हैं किसी को तो प्यार देना पड़ेगा सो मैं दे रही हूँ इट चेंज सम इन मी जब जो चला गया है उसको भी तो लग रहा है वो सब रो क्यू रो यार गुड प्लेस लाइक सेलिब्रेट वेल डन बॉय आई एम प्राउड ऑफ यूज वॉचिंग बारे में कुछ पूछना चाहूँगा आई सॉ की वो एक बहुत अल्फा मेल थे पहले एंड आई सो हाउ एज टूट अवे फ्रॉम एंड आई ऑफ है वो एरोगेंट नहीं थे बट आई जस्ट एजिंग से आपने क्या सीखा है like, के कुछ एस्पेक्ट्स को मैं अब फेस कर रहा हूँ इंजरीज के थ्रू <laughs> बहुत रैंडम इंजरीज हो रही है शायद इट जस्ट अ वेकअप कॉल टू चेंज ट्रेनिंग सिस्टम बटीज थर्टीज में आप क्या सीखते हो माइंड चेंज होता रहता है जब मैं उन्नीस का था उस टाइम माइक टाइसन पीक पे थे और मैं भी पीक पे था अपनी क्षमता की मुझे लगता था कि अगर मुझे माइक टाइसन के साथ रिंग में डाल दिया जाए मुझे वो गिरा नहीं पाएगा वो गलत में भी बहुत सही होती है <laughs> बहुत सही होती है और मैं कई बार लोगों को देखता मुझे लगता है वेल डन बॉय यूर गोइंग थ्रू ग्रेट फेज कॉल डिल्यूजन और मे बी बिलीफ उसके बाद एक फेज आता है आपको समझ आने लग जाती हैं चीज़ें कि आपकी औकात क्या है नहीं औकात तो आपकी जितनी है उससे बहुत ऊपर होती है हम लोग अपने हमेशा अपने आप को नीचे ही देखते हैं मैंने आज तक बहुत कम लोग देखे हैं सो so, फेज होता है वैन यू अर चाइल्ड यू वाट लर्न एवरी थिंग यू वां सी एवरीथिंग वैन यू बिकम ओल्ड आप उतने हम्बल होने लग जाते हैं लाइक यू सेट हम्बल हम्बल इज़ नॉट कि मैं बदतमीज़ था आपको सब चीज़ों में मजे आने लग जाते हैं आपको सबकी कीमत दिख जाती है आई थिंक आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो बट यू इवॉल्विंग ऑल द टाइम दूसरों को लग रहा है कि आप हम्बल हो गए हैं ये हो गए आप वैसे ही हैं बदल क्या रहा है हमारे देखने का नजरिया दे आर द सेम पीपल हमें लग रहा है ये हम्बल हो गए कई बार हम चुप हो जाते हैं कई चीज़ों का जवाब नहीं देते तो हमें लगता है वो हम्बल है बट थाट तो वही है बट आई कैन टेल यू ग्रैंड फादर विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू ही ऑलरेडी इज बट ऊपर से एक अलग व्यू दिखता है hmm. जब आप सिक्स फ्लोर पे हो ना तो आप लोगों को देखते हो तो बहुत सारे दिखते हैं और सब कुछ दिखता है hmm. किताब इतनी पास से पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाओगे दूर से ही मजे आते हैं ही इज इंजॉइंग यू बॉय थैंक यू थैंक यू सवाल है कि मैं हमेशा जानना चाहता था एंड एक्चुअली आज आपसे बात करने के बाद और भी जानना चाहता हूँ एक्टिंग को क्यों चुना आपने मैं, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ okay. जब मैं छोटा था ट्रेवल द होल वर्ल्ड परफॉर्म कर रहा था मैं दुनिया में हर जगह um, एंड आई बिलीव कलरी पॉइ इज़ ददर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स आप गूगल में भी देख सकते हैं कंकू जजित्सू सब यहीं से निकला है सो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हिंदुस्तान वापस उस मैप पर है जहाँ पर जहाँ से ये मदर ऑफ़ मार्शल आर्ट्स औरिजिनेट हुई है आई वॉज ऑनर्ड बाकी चाइना इज़ द टॉप मार्शल आर्टिस्ट आई गोट द अवॉर्ड दैट इज़ द

ओके, okay. ऑन पहुंच रही है क्या? <laughs> बॉलीवुड okay. की दुनिया कैसी है अमेजिंग या yeah. बहुत सारे पॉडकास्ट किए मैंने बहुत सारे आर्मी वेटरन से बातें करी है आ, आपकी पर्सनालिटी स्पेशल फोर्सेस के वेटरन से मिलती है मतलब बहुत अलग तरह के लोग होते हैं वो आई फील कि अगर आपने एक आर्मी करी और चुना होता खुद के लिए आप डेफिनेटली एटलीस्ट ट्राई तो करते स्पेशल फोर्सेस को एंटर करने के लिए कभी सोचा आपको मिलिट्री ज्वाइन करनी थी मेरे मामा 1971 की वॉर में शहीद हुए थे okay. मैं जिस स्कूल से आता हूँ उसका नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षई hmm. मेरे कई क्लासमेट्स हैं जो कारगिल की वॉर में शहीद हुए डैड वाज़ इन द आमी माय मामा वजिंदा आर्मी आई रिलेटिव्स इन फोर्स आई रिलेटिव्स इन द नेवी मैं एक हार्ड देसी लड़का हूँ सो so, सबने वो किया मुझे एक बचपन से थोड़ा था था कि कुछ तो अलग करना ही है वो एक अलग करने के चक्कर में बहुत चीज़ें अलग कर दी बट किस्मत ऐसी है कि जब फिल्मों में आए तब भी कमांडो ही बना hmm. सो किस्मत जोड़ के रखती है hmm. आपको देख के पता चल जाता है कि आपका कुछ मिलिट्री बैकग्राउंड डेफिनेटली है आर्म बैकग्राउंड ये मुझे भी पता नहीं क्यों होता है पर कुछ लोगों के साथ हो जाता है शायद बॉडी लैंग्वेज की वजह से नहीं तमीज तमीज इफ़ यू सी एन आर्मी किड आर्मी ऑफिसर इंडियन फोर्सेस पुलिस एनी फोस दे यू सी अ डिफरेंट रिस्पेक्ट फॉर पीपल हम लोग कहीं पे भी बैठ के चाय पी सकते हैं किसी भी तरह के आदमी के साथ जहाँ मैं स्कूल में था वहाँ पे मेरे डैड की आर्मी के जो जवान थे उसके बच्चे मेरे क्लासमेट थे तो हमारे लिए कोई हरारे की नहीं है कि तुम उसके बेटे हो मैं उसका बेटा हूँ hmm. हम सब दोस्त हैं okay. क्योंकि बैटल में सब एक साथ लड़ते हैं hmm. right. um, इस पॉडकास्ट के एंड में मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना चाहूँगा जी आ, क्या आप डेथ के बहुत करीब पहुँच चुके हैं कभी अपनी लाइफ में जिस तरह के मैं स्टंट्स करता हूँ जिस तरह का एक्शन करता हूँ मैं हर दिन कुछ ना कुछ तो ऐसा करता हूँ जहाँ पे बच जाता हूँ कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ बहुत बार ओके okay. सबसे डेंजरस एक्सीडेंट के बारे में बताइए नहीं बहुत बहुत एक्सीडेंट्स हुए अभी मैंने हाल ही में बैंक माई हेड ऑन अ वॉल मैं शूट कर रहा था जंगली के दौरान और फुल पावर केबल से हार्नेस छूट गया और मेरा सर पूरा टकराया मैं काफ़ी हाइट पे था सर खून निकल रहा था सर मैं बहुत खुश था कि मैं ऊपर हूँ मैंने कहा नीचे जाऊँगा ना सर आई यू ओके आई यू ओके से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे सर वॉज लाइंग देर आप आई एन्जॉयड इट फॉर टेन मिनट्स फिर जब थोड़ा हार्ट रेट सब खुश हुआ मैंने कहा आ जाओ नीचे इट फॉर मिनट्स हाँ मतलब लाइक पेन इज अमेजिंग जब आप फील करने लगोगे चले जाती है हम लोग पेन के डर से रुक जाते हैं एक बार फील करो इन्जॉइंग का मेरा मतलब है लाइक यू गॉट हर्ट एंड नथिंग यू नो यूल बी एबल टू वॉक टूमोरो डेथ मीन्स डेथ तो ऐसी भी हो सकती है आप गाड़ी रोड क्रॉस कर रहे हैं हाउ क्लोज है आपको पता ही नहीं होगा कोई रिक्शे वाले ने आपको बचा लिया होगा आप चलते जा रहे होंगे उसने बचा लिया यू आर वेरी क्लोज टू डेथ यूज बिन नो लाइक आई आई डोंट फेयर इट बिकॉज वो, वो सोचता ही नहीं हुआ इस बारे में ये सोचते रहूँगा ना तो बहुत चीज़ें नहीं कर पाऊँगा जब मैं जम मारता हूँ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में एन अ मूवी ऑल्सो सो मुझसे लोग पूछते हैं हमको डर नहीं लगता बहुत डर लगता है बहुत डर लगता है बट एक मेरा मेकेानिज़म है सो आई स्टैंड ऑन दिस एज यहाँ से यहाँ जम मारना है सो so, मैं पहले देखता हूँ कि अगर मैं थोड़ा कम जम मारूँगा तो क्या हो सकता है सो आई एम आइड जस्ट टू रीच इट मैं हर चीज़ नेगेटिव सोचता हूँ स्टोइसिज्म फॉलो करता हूँ कई चीज़ों में स्ट्रॉक फिलासफ़ी होती है जहाँ पे आप हर चीज़ के बारे में सोच ले जो आने वाली है सब गलत है हम कहते हैं पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पहले आप सब नेगेटिव सोच लो सो so, मैं सोचता हूँ कि यहाँ से नहीं पहुँचूँगा तो अरे स्लिपों के नीचे गिर जाऊँगा ओवर क्रॉस किया तो बार में पाँव लगेगा और मैं समस्वल मार के मुँह के बल गिरऊँगा ऐसे करके मैं सारे पॉमेंटेशन कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ फिर वो पीछे से बोलता है कैमरा रोलिंग रोलिंग सर थ्री टू तब तक मैं सोच लेता हूँ कि अब मैं पार कर दूँगा सो ऑल दैट दफ थॉट शॉर्ट रनिंग फास्ट रनिंग ओवर स्पीडिंग लिट्स जंप वो सब मैं कैलकुलेट करने के बाद जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तब निडर हो जाता हूँ और मैं जंप मार देता हूँ कभी लगती नहीं इंजरीज हुए है इंजरीज तो इस अब पानी में जाएंगे और गीले नहीं होंगे ऐसा हो नहीं सकता ओके ओके सबसे ज्यादा पेन कब महसूस हुआ है? जो पेन होता है बहुत दर्द होती है यार हर चीज वो छोटे से सुई भी घुस जाती है ना बहुत दर्द होती है ओके पर सबसे ज्यादा दर्द आपको हार्ट ब्रेक के टाइम फील हुआ नहीं मैं कह रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है यार उसकी वो एक अलग ही बीमारी है यार अरे हड्डी टूट जाए पाव निकल के ऐसे घूम जाता है ना Hmm. तो वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है ये हार्ट ब्रेक ना पता नहीं कहाँ को आ जाता है ख्याल में वो एक अलग बीमारी है okay. okay. मजेदार है वो की... इसने मेरे से बदतमीजी बात टूट गया एग्जाम्पल ये जो आपकी स्टोरी है अब तक हेल्थ फिटनेस ये हर किसी की स्टोरी नहीं होती कि बचपन से फिटनेस रहा है प्लस इतने अलग अलग टाइप्स ऑफ फिटनेस रहे मार्शल आर्ट जिम जिमनास्टिक्स आ, शायद ही आपके वो आश्रम की इन्फ्लुंस की वजह से वो आई लर्निंग कल रही पाई टू इन लाइफ सो स्कूल पर आप एक बहुत रेयर केस हो बहुत ज़्यादा रेयर केस जिसे फेम मिला है इन अडल्टुड टू शो केस आई एम श्योर कि ऐसे और केसेस हैं भारत में दुनिया में पर बहुत कम लोगों को इस तरह का फेम मिला है इसलिए एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे इस पॉडकास्ट में ये मैंने स्पोर्ट्स से यही सवाल पूछा है एक्टर्स से भी यही सवाल पूछा बिजनेस ओनर से ये सवाल पूछा कि आप जो भी कर रहे हो आपने कहा कि आपके फेम के थ्रू आप हिंदुस्तानी परंपरा को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हो अभी एक लेयर डीप आपका लाइफ का पर्पस क्या है एक लेयर डीप इसका मतलब होता है क्यों no, वो हिंदुस्तानी परंपरा को क्यों पेश करना चाहते हो परंपरा का मेरा मतलब है इट्स इम्पोर्टेंट टू नो वे यू कम फ्राम यूट्स जो तांडव है वो जो उनकी पूरी फॉर्म्स हैं चाहे मोथा देखे सब कॉपी किया है आप मोथा जब सीखेंगे और आप था में देखेंगे सो द होल मोवमेंट हैिक फ्राम लॉर्ड हनुमान वहाँ पे मोमेंट्स के नाम हैं हनुमान के नाम पर uh, कल रह पाए तुम्हें मोथा में रियली really? हाँ प्लीज देखिएगा जैसे कि जैसे कि वहाँ पर एक जगह भी है हनुमनपुरी द फ्लाइंग हनुमाना उसमें जो उड़ के मारते हैं एल्बो नी आप देखिएगा जब वो पहाड़ उठा के जा रहे हैं संजीवनी का दज अ मूवमेंट इन इज बॉडी हिज नीज स्टैंडिंग इन पॉस्चर शॉबल इन टेम्पल दे वॉज अ मैन कॉल बोधी धर्मा वो हिंदुस्तान से उठ के गए उन्होंने जैन फिलासफी शुरू की तो मुझे भी लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि अब हम भी बात करें जैस बी आर द न्यू जेनरेशन बस एंड में ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर कमिंग आपसे सीखा आई हेव गेट बैक इन मैं जूडो फिर से नहीं करूँगा बट डेफिनेलरी पायतु करने वाला हूँ क्योंकि पिछले एक हफ्ते में आप दूसरे गेस्ट हो जिन्होंने कलरी पायतु के बारे में बात किया सो सम साइन इज कमिंग टूवर्ड फिर बाहर बजरंग बाड के बारे में बात कर रहे थे फील इट्स जस्ट थैंक यू Forget द पॉडकास्ट इज़ अ ब्रदर थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जेनुअली uh, आपको जाने से पहले हम एक गिफ्ट देना चाहेंगे ये हमारा शो का एक हैम्पर है इट्स गॉड गुडीज बट साथ में बहुत सारा प्यार भी भरा है सो थैंक यू विद्युत जमवाल. बहुत कुछ सीखा आपसे आप मेरी ओरिजिनल पॉडकास्ट लिस्ट में थे uh, अभी आफ टिकार्क दैट अ बिग डे पर्सनली आप मेरी ओरिजन पॉडकास्ट लिस्ट में भी थे <laughs> फाइनली शुरुआत तो की मैंने अब मैं जा सकता हूँ बाकी जगह लोगों से बातें oh. करने थैंक यूट मींस अज नॉट द लास्ट टाइमिंग और स्पीकिंग सो थैंक यू आई होप की भाई थैंक यू अरे अब तुम उत्तेजित हुए यार वी शुड प्रे फॉर ग्रैंड डैड जस्ट से थैंक यू टू हिम ही इज बीन अमेजिंग ही इज ही इज गॉट अ सीड ऑफ द न्यू ब्रीड वेल डन यू विल टेक द लेगेसी फॉरवर्ड वेल डन थैंक यू भाई मींस अ लॉट मींस अ लॉट दैट दिस वाज द फर्स्ट पॉडकास्ट सिंस सो अगेन ऑल आई से जय बजरंगबली जय बजरंगबली थैंक यू गाइस ओके थैंक यू सर तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड पहले तो हमें ये बताइए कि विद्युत सर के साथ आप और किन चीज़ों के बारे में पॉडकास्ट देखना चाहोगे आई फील कि हेल्थ के विजडम को लेकर ये इंसान एक भंडार है हमने बहुत सारे इंग्लिश के पॉडकास्ट किए हैं लूक कुटीनियो के साथ क्रिस गैथन के, के साथ पर मेरा मानना ये है कि हेल्थ और फिटनेस के कॉन्वर्सेशन ना हिंदी में भी होने चाहिए तो हमें गेस्ट रिकमेंडेशन भी दीजिए पर ये बताइए कि इस पॉडकास्ट के हाईलाइट्स क्या थे आपके लिए दोस्तों बहुत ही जल्द टी लौट कर आएगा और नॉलेज के साथ और परस्पेक्टिव के साथ ये वाली आउटफिट है स्टाइल बाय आ ब्रांड पार्टनर्स आजियो तो जल्दी आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए और शॉपिंग स्टार्ट कीजिए खुद के लिए स्टाइलिश दिखने के लिए बिल्कुल फैशन भैया की तरह दोस्तों टी आर लौट के आएगा फैशन भैया लौट के आएगा एंड आई एम हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर विद्युत जाम सर भी लौट के आएंगे हमारे शो पर लॉट्स ऑफ लव आगे बढ़ते जाओ दोस्तों